तो बच्चों, अब हम यहाँ पर समरी और नोट मेकिंग के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें सीखी है उन्हें इस समरी के पॉइंट्स के थ्रू हम रिवाइज करेंगे और इन्हीं सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कैरीड बाय ग्लोमेरुलस नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा ब्लड फिल्टर आउट हो पा रहा है किडनी के ग्लोमेरुलस की मदद से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एवरेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाय किडनी इज 1100 ml टू 1200 ml पर मिनट। तो जो एवरेज फिल्ट्रेशन है ब्लड का किडनी की मदद से वो होता है 1100 से 1200 ml पर मिनट। हमारा तीसरा पॉइंट है, द फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी कॉन्स्टिट्यूट ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स दस नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो जो फिल्ट्रेट किडनी की मदद से बन पा रहा है ये अल्टीमेटली हमारा ब्लड प्लाज्मा ही है जिसमें प्रोटीन्स नहीं है, और ये प्रोटीन्स फिल्टर आउट हो जा रहे हैं, इतने छोटे लेवल तक फिल्ट्रेशन हो पा रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड इन 3 steps विच आर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो 3 बड़े स्टेप्स में कम्प्लीट होता है। सबसे पहला है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फॉलोड बाय रीअब्सॉर्प्शन और एट लास्ट सिक्रीशन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सब्सटेंसेज लाइक सोडियम आयन अमीनो एसिड ग्लूकोज आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट आर अब्सॉर्ब्ड पैसिवली। तो जो सब्सटेंसेज हैं जैसे कि सोडियम आयन अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज, इन्हें रीअब्सॉर्ब कराने में एनर्जी खर्च होती है, इसलिए हमने बोला कि ये सब्सटेंसेज रीअब्सॉर्ब होते हैं एक्टिवली और बाकी सारे नाइट्रोजिनस वेस्ट रीअब्सॉर्ब होते हैं पैसिवली क्योंकि इनमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सब्सटेंसेज लाइक अमोनिया H+ ion एंड पोटेशियम आयन आर सिक्रीटेड बैक टू द फिल्ट्रेट टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। तो सिक्रीशन प्रोसेस की मदद से जो अमोनिया है, जो हाइड्रोजन आयन है, जो पोटेशियम है, ये सिक्रीट किया जाता है वापस फिल्ट्रेट में ताकि जो आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे। हम यहाँ पर वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपने कॉपी में लिख सकें।